अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। होपफुली आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे जी। तो आज की हमारी वीडियो में बहुत ही बेहतरीन और स्पेशल और क्विक सी रेसिपी बनने लगी है, मूंगी मसूर की दाल, तड़के वाली दाल। आज हम लोग बनाएंगे, साथ में राइस होंगे बॉयल और बेहतरीन सी सैलड वाला मेन्यू होगा। तो आज आप लोगों ने रेसिपी को फुल देखना है। और ये एक ऐसी दाल है जो हर कोई शौक से खाता है। दाल चावल आपके फेवरेट, मेरे फेवरेट, सबके फेवरेट होते हैं। तो आप लोगों ने रेसिपी को आखिर तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। यहाँ पर जी मूंग दाल के लिए मैंने 2 कप मतलब येलो वाली, 1 कप येलो वाली दाल ली है। यहाँ पर जी मूंग दाल के लिए मैंने दाल को अच्छे से चुन के धो लिया, ये आप लोग देख सकते हैं। 1 कप येलो वाली दाल ली है और 1.5 कप मैंने ऑरेंज वाली दाल ली है। इसमें मैंने अब ऐड किया फिल्टर वाला पानी, ठीक है। बेहतरीन और इतनी मज़ेदार और अच्छी सी ये दाल बनती है। अब हम इसमें सिर्फ बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे और फिर इसको हम लोग फ्लेम पे रख देंगे। स्पाइसेस में मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी, 1 टेबलस्पून के करीब भर के दरी मिर्च, और अभी के लिए 1/2 टेबलस्पून के करीब नमक, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर जी दाल मैंने ऊपर रख दिया। ये है 1 टेबलस्पून भर के लहसुन जो कि मैंने फ्रेश इसका पेस्ट बनाया। बस डेट्स इट, सिर्फ ये चीज़ें जाएंगी और हम इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। इतनी ये अच्छी बेहतरीन दाल बनेगी, आप लोग खुद देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। अभी हम इसको आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए। यहाँ पर जी आप लोग देख सकते हैं दाल जो है हमारी बिल्कुल बेहतरीन सी रेडी हो गई है। साइड्स हम लोगों ने साफ कर लेनी है साथ साथ। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई कि जब हम लोग दाल बनाते हैं या कोई भी चने वगैरह बनाते हैं तो उसको पूरा फुल कवर नहीं करते, वरना फिर ये देचके का ये देख सकते हैं आप लोग हाल हो सकता है। सो नो इशू, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। और अब हम करेंगे तड़के की तैयारी। 20 से 25 मिनट लगते हैं आराम से, अगर हम लोग चम्मच नहीं चलाएंगे तो आराम से ये गल जाती है, ये आप लोग देख सकते हैं। कोई भी मैंने किसी किस्म का कुकर ऐड नहीं किया। तो अब हम लोग करते हैं तड़के की तैयारी। एक मैंने ले लिया पैन, 2 टेबलस्पून के करीब मैंने घी ऐड किया। आप लोग चाहें तो आप लोग देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं अब ऐड करूंगी लहसुन के जवे, इसको हम करेंगे गोल्डन फ्राई। गोल्डन फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे यह जी ग्रीन इलायची, 2 मैंने ली हैं, ये हम ऐड करेंगे। ये देखिए अभी ये गोल्डन से हो जाए, फिर हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन इलायची, ग्रीन हरी मिर्चें। और जब हम लोगों ने हरी मिर्चें ऐड करनी है तो हम लोगों ने फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि हरी मिर्चें ना बहुत तेज फिर करती हैं और फिर जलने का भी खदशा होता है। ये देखिए कैसे हो रहा है। और इस स्टेज पे हम लोग ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब जीरा, और फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर देना है। इतना अच्छा और मज़ेदार ये तड़का बनता है, आप लोग जो इस तरह से ट्राई कीजिएगा। और जो हरी मिर्च होती है उनको कभी भी अकेला फ्राई नहीं करना, उनको लहसुन या किसी भी और चीज़ के साथ हम लोगों ने फ्राई करना। ये जी अब हो गया हमारा तड़का रेडी। ये अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे और इसको साथ ही हम लोग कवर कर देंगे। मेरे एक हाथ में कैमरा है सो मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो जी अब हम इसमें ऐड करेंगे कलवंजी के सीड्स, चंद सीड्स हम लोगों ने कलवंजी के ऐड किए बेहतरीन से। ये देखें बेहतरीन हम लोग की ये दाल मूंगी मसूर की तैयार है, रेडी है। और अब आप इसको बॉयल चावल और सैलड के साथ सर्व कीजिएगा, बेहतरीन सी रेसिपी है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर जी आज बनी है मूंगी मसूर की दाल, ये देख सकते हैं आप लोग बेहतरीन सी। वाओ जी, आज की आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, रेसिपी में कुछ भी समझ आया हो और या किस वीडियो में, फुल वीडियो में कुछ भी आप लोगों ने सीखा हो तो लाइक किया करें, शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और अपने सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अपने चैनल को। और पहले तो हमारा मतलब हम लोग डरते हैं जब हम लोग यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, वीडियो बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग डरते हैं, हम लोग को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, हम लोग को बात नहीं करनी आती, हम लोग को नहीं पता होता कैमरे में यहाँ देखना है या यहाँ देखना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा कॉन्फिडेंस बहाल होता है, हम लोगों को समझ में आता है, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अपने वर्क से, अपने पैशन से लव हो जाता है। पहले तो इंसान मतलब कि डल रहता है, फिर इंसान जो है ना जब आहिस्ता आहिस्ता ये काम करता जाता है तो एक्टिव हो जाता है। तो इसमें हर वीडियो के पीछे मेहनत होती है, सोच होता है, इंसान सोचता है, कुछ ना कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लेता है, फिर ये वीडियो जो है हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, अगर आप लोग मतलब फुल देखते हैं तो जस्ट लाइक कर दिया करें ताकि हम लोगों को मोटिवेट मिल सके और जो चैनल है वो ग्रो हो सके। अल्लाह हाफिज़।